आखिर 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि विशालकाय जीव डायनासोर विलुप्त हो गए? ये सवाल हम सभी के मन में उठता होगा। भारत में भी ऐसे इलाके हैं जहां पर डायनासोर के जीवाश्म मिलते रहे हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में बिखरे कम से कम 6 करोड़ साल पुराने जुरासिक खजाने को धार जिले में राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म उद्यान विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। ये अहम परियोजना धन आवंटन के अभाव के चलते लंबे वक्त से फाइलों में अटकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश जहां अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए हुए है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 250 किलोमीटर दूर धार और धार का बाघ क्षेत्र, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघा प्रिंट के नाम से जाने जाने वाली साड़ियां खूब प्रचलित हैं, यही एक क्षेत्र है जहां प्रकृति का खजाना भरा पड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो बाघ की बुद्ध गुफाएं हैं, ये यहां पर बनी हुई हैं। इसके बाद बाघ में हाल ही में मिले समुद्री डायनोशार्क के अंडे अब ये साबित करते हैं और करते नजर आते हैं कि वाकई इस जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का धार जिला है, यहाँ प्रकृति अपने अद्भुत खजाने को अंदर छुपाए हुए है। जिस पर्यावरण बदलाव ने अतीत में इन जीवों का नामो निशान मिटा दिया, ऐसा बदलाव भविष्य में भी हो सकता है जिससे कई और जीव विलुप्त हो जाएं। इन सवालों का जवाब जीवाश्मों के अध्ययन से मिलता है। मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील के पास विश्व प्रसिद्ध बाघ गुफाओं वाले इलाके में कई वर्षों से डायनासोर के अंडे, हड्डियां और दांतों के जीवाश्म मिल रहे हैं। डायनासोर के अंडे और अतीत का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि 1990 में मध्य प्रदेश की हथनी नदी में 20 साल पहले डायनासोर का पहला जीवाश्म मिला था। बाघ ही ऐसा स्थान है जहां डायनासोर के घोंसले, हड्डियां और दांत मिले हैं। कई लंबे पेड़ भी हैं जो ये बताते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले पर्यावरण कैसा रहा होगा। विज्ञान का मकसद रिकंस्ट्रक्शन का होता है। पर्यावरण को रिकंस्ट्रक्ट करने में बाघ के जीवाश्म मदद देते हैं। ये बहुत बड़ी विरासत है, हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। 30 वर्षों से इन जीवाश्मों को इकट्ठा कर रहे धार जिले के रहने वाले शौकिया जीवाश्म शोधकर्ता विशाल शर्मा बताते हैं कि उन्होंने लगातार इस पार्क के लिए काफी संघर्ष किया है और आज उनका ये संघर्ष मध्य प्रदेश की धरती पर एक रूप लेने जा रहा है, जिसे अब धार जिले के बाघ में नेशनल पार्क में देखा जा सकेगा, जहां डायनासोर के अंत होने से पहले ये सभी जीवाश्म मिलेंगे। इस पार्क को अगर मध्य प्रदेश सरकार अपने अधीन करते हुए विकसित करती है तो इन आदिवासी क्षेत्र में टूरिज्म के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डायनासोर के अंडों को आम आदमी और पर्यटक देख सकते हैं। इसी मकसद से बाघ में डायनासोर जीवा नेशनल पार्क भी आकार ले चुका है, लेकिन पर्यटकों को इसमें घूमने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 89 हेक्टेयर में फैले इस नेशनल पार्क में एक म्यूजियम बनाने की कोशिश भी जारी है, जिसमें विशाल काय पेड़ों और डायनासोर के अंडों के जीवाश्म उनके मूल स्वरूप में जस के तस रखे जाएंगे, ताकि शोधकर्ता उसी स्थिति में जीवाश्मों को देख सके। जिला वन अधिकारी के मुताबिक इस नेशनल पार्क का मुख्य गेट भी अभी बनना बाकी है, लेकिन फेसिंग की वजह से काफी जीवाश्म संग्रहित हो पा रहे हैं। नेशनल पार्क में मार्च 2021 से टूरिस्ट आना शुरू हो सकते हैं। धार जिले के कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक म्यूजियम वाला हिस्सा बना दिया गया है, पार्क और गार्डन उसमें डेवलप किया गया है। 2 महीने बाद डायनासोर संग्रहालय की ओपनिंग की जाएगी। इसके लिए 20 रुपए का टिकट होगा। साथ ही डायनासोर के शेप में और अंडों के शेप में कुछ कमरे भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें पर्यटक रुक सकेंगे।
और डायनासोर का इतिहास जानेंगे। लाइट एंड साउंड शो भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पर्यटकों को लुभाने यहाँ कई ऐसी चीजें डेवलप की जाएंगी जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है। चारों तरफ से पहाड़ और जंगलों से घिरा ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एक ओर सतपुरा के घने जंगल तो वहीं दूसरी ओर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसी क्रम में यहाँ एक और ऐतिहासिक इबारत लिखी जाने वाली है जो प्रदेश में रोजगार को अहम बल देगा। धार से लाइव टुडे के लिए राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट।